बिहार में लोकसभा चुनाव की सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में सहमति बन गई है। राज्य में भाजपा और जदयू 17-17 सीटों पर और राम विलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को भी राज्यसभा भेजा जाएगा। वहीं अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी नुकसान में नजर आ रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 29 और एलजेपी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें से बीजेपी ने 22 और एलजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जेडीयू एनडीए से अलग 38 सीटों पर लड़ी थी और वह सिर्फ 2 ही सीट जीत पाई थी। वहीं इस बंटवारे के बाद से ही सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। सीटों के बंटवारे के बाद ही विपक्ष पार्टी के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक तेजस्वी यादव ने गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जनादेश चोरी के बाद भी बीजेपी बिहार में इतनी मजबूत हुई कि 22 वर्तमान सांसद होने के बावजूद 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी और 2 सांसद वाले नीतीश जी भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब समझ जाइए एनडीए के कितने पतले हालात हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बिहार में किसके हालात मजबूत हैं और किसके कमजोर नजर आते हैं। फिलहाल ये बात तो लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा।